विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। रामदास अठावले। थैंक यू बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। हमने भी आज शेरशाही की है। आदरणीय चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए है पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते है भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते है भास, इसलिए राजनीति में हो रहे है नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे, ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा, काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा। तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ और यही आशा व्यक्त करता हूँ कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग है, मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अंबेडकर जी को 2 बार हराया था, बाबा साहब अंबेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी तो नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठ कर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जाकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अंबेडकर काम करते रहे और मतलब ये काम, हाँ जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है ना, आपने किया। नहीं नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके बोले 2 बार बाबा साहब को हराया, मुझे भी शिरडी में हराया, इसलिए मैं छोड़कर इधर आ गया, मुझे भी शिरडी ने आप लोगों ने हराया। तो हाँ, इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए संविधान बदलेंगे, ये बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, कैसा बदलेंगे, हमने तो कांग्रेस को बदला है, संविधान क्यों बदलेंगे। संविधान बदलने का विषय नहीं है, जिस मोदी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर उन्होंने शपथ ले ली है कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है यहाँ अच्छा प्रकाश। तो मतलब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखी है,
और आप चल रहे भारत जोड़ने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने और संविधान ने भारत को जोड़ ही दिया है। झगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक है, या कोई पाकिस्तान का संविधान हमारा तो नहीं है। यहाँ कुछ भी हो जाएगा लेकिन देश टूटेगा नहीं। जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि 370 को हटाया है, पहले हमने कांग्रेस को हटाया फिर 370 को हटाया, तो इसीलिए मतलब हटाने का विषय तो नहीं है। तो इसीलिए मतलब सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति जो है पहली बार बनाया, मतलब शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रपति है नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो इसीलिए मतलब ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से इस अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभिभाषण जो है, ये अभिभाषण देश के विकास को आगे ले जाने वाला है। हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है, और भारत नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया है, आप लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री अजीत कुमार मैं दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।